तो स्वागत है सबको टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आज हम बताएंगे आई में जो भी स्टूडेंट भर्ती हुए हैं वो स्टूडेंट का कब से क्लास शुरू होगा नया सेशन का कब से क्लास शुरू होगा जो कि 2022 हज़ार बाईस तेईस सेशन है और 2022-24 का जो सेशन है सबका कब क्लास शुरू होगा और उसका जो एग्ज़ाम होगा फाइनल एग्जाम होगा कब तक एग्जाम होगा पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो वीडियो को देख लीजिएगा पूरा नोटिस आप देख लीजिएगा अब तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए देखिए यहाँ पर नोटिस में पहले हम बताएँगे कि कब से आपका क्लास शुरू होगा बाद में बताएंगे कि कब से आपका एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम यानी सी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होगा उसका भी नोटिस दूसरा नोटिस है वो भी हम दिखाएंगे आपको तो देख लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ पर यह आपका नोटिस है कि कब से आपका सेशन शुरू होगा जो कि सेशन बोला गया कि 2022-23 जो कि वन साल का जो ट्रेड है एक साल का जो ट्रेड है वो सब का सेशन और जो फिटर इलेक्ट्रीसियन टर्नर ये सब ट्रेड है जो कि दो साल का ट्रेड है एक साल और दो साल सभी ट्रेडों के लिए एक सितंबर तक ठीक है एक सितंबर से आपका क्लास शुरू होगा यानी आप किसी भी प्राइवेट आईटीआई हो या फिर गवर्नमेंट आईटीआई हो सरकारी आईटीआई या फिर प्राइवेट आईटीआई तो आपका एग्ज़ाम का जो जो अभी एग्जाम चल रहा है आई में एग्जाम चल रहा है तो तीस तारीख तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जो भी स्टूडेंट अभी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके बाद आपका क्लास शुरू होगा एक सितंबर से, से पहले भी एक नोटिस दिया गया था जो आपका एडमिशन शुरू होने के पहले तो वहाँ पर दिया गया था आपका पूरा शेड्यूल दिया गया था जो कि उसका जो नोटिफिकेशन नंबर है बारह पाँच दो हज़ार बाईस को उसका भी नोटिस हम देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका दो हज़ार बाईस तेईस सेशन हो या फिर बाईस चौबीस जो भी सेशन है तो सबका क्लास जो शुरू होगा आपका क्लास शुरू होगा एक सेप्टेम्बर से आपका क्लास शुरू होगा आप जिस भी आई आई में पढ़ते हो भर्ती हुए है गवर्नमेंट आईटीआई या फिर प्राइवेट आईटीआई कोई भी इंडिया में कोई भी आईटीआई आई है तो वहाँ पर आपका क्लास शुरू होगा एक सितंबर से ठीक है और आपका जो डाटा पोर्टल में अपलोड होगा तो आपको क्लास में छुट्टी नहीं करना है हर दिन क्लास जाना है ठीक है तो आपका जो छुट्टी नहीं करना है तो आपको पंद्रह तारीख तक आपका जो डाटा है डाटा डाला जाएगा तो एक दिन भी आपका एबसेंट नहीं रहना चाहिए जो कि अब अगर आप लोग एबसेंट कर दिया पंद्रह तारीख तक आपका एबसेंट हो गया एक भी तो आपका डाटा नहीं जाएगा वहाँ पर तो पंद्रह तारीख तक आपको क्लास में जरूर प्रेजेंट रहना है एक भी दिन एबसेंट नहीं करना है और किसी भी आई अगर चाहता है तो पिछ, पहले से क्लास शुरू करने के लिए तो भी कर सकते हैं अनऑफिशियली कर सकते हैं लेकिन आपका जो अटेंडेंस काउंट होगा वो एक सितंबर से आपका अटेंडेंस काउंट होगा यानी अगर पहले कोई आईटीआई आपको बोला बोला गया है कि पहले से आपका जो होगा क्लास शुरू हो जाएगा आगर से ही क्लास शुरू हो जाएगा तो वो भी हो सकता है उसका भी डाटा वो लोग भेज सकते हैं तो उसका भी एक रूल्स होता है एक एक आई टी आई का रूल्स होता है लेकिन जो गवर्नमेंट से आपको दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम के बाद अभी एग्ज़ाम चल रहा है एग्ज़ाम के बाद आपका क्लास शुरू होगा नया सेशन का क्लास शुरू होगा वो पहला सितंबर से अब अभी देख लीजिएगा कि वहाँ पर आपका एग्ज़ाम कब होगा आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा जब नया भर्ती हुए हो जो लोग अभी भर्ती हुए हो जो स्टूडेंट अभी 2022 से आपका शुरू होगा तो आपका कब एग्ज़ाम होगा तो देखिएगा मैंने बताया था कि 12 पाँच 2022 को एक नोटिस आया था तो उसी नोटिस को भी मैंने लाया है तो उसी नोटिस में क्या बोला गया था आप देख लीजिए एक बार फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया था कि आपका जो क्लास शुरू होगा यहाँ पर बोला बोला गया था कि एक सितंबर तक आपका क्लास शुरू हो जाएगा और आपका जो ट्रेनिंग सेशन है ट्रेनिंग सेशन इकतीस पाँच दो हज़ार तेईस तक आपका होगा ठीक है आपका जो ट्रेनिंग सेशन ट्रेनिंग सेशन आपका कंप्लीट होगा यानी उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर बताया गया है कि आप देख लीजिएगा इकतीस पाँच दो हज़ार तेईस तक आपका खत्म हो जाएगा और ये कब कौन सा स्टूडेंट के लिए दो हज़ार बाईस तेईस और बाईस चौबीस का स्टूडेंट जो है एक साल का और दो साल का जो स्टूडेंट है सभी के लिए नोटिस है तो अच्छे से सुन लीजिएगा ये नोटिस देख लीजिएगा कि आपका जो एक ट्रेनिंग सेशन है ट्रेनिंग सेशन यानी आपका जो कंप्लीट होगा कोर्स कंप्लीट होने का टाइम है इकतीस पाँच दो हज़ार तेईस तक आपका एक साल में कोर्स होगा ठीक है एक साल का कोर्स होगा और उसके बाद आपको सेकेंड ईयर का नोटिस बाद में आएगा जो दो साल का जो ट्रेड में पढ़ रहे हो तो आप लोगों को बाद में नोटिस आएगा कब से आपका सेकेंड ईयर का क्लास शुरू होगा लेकिन आपका एक साल कम्प्लीट होगा उसके बाद सी होगा एक साल का शेड्यूल पूरा दिया गया है तो अभी उसके बाद क्या करना है एडमिशन हो गया है आप लोग तो अभी आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन करना है ट्रेनी वेरिफिकेशन ले के लिए भी आपका डेट दिया गया है तो वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा सितंबर तक आपको 30 सितंबर तक आपको कर लेना है 30 सितंबर ठीक है 30 सितंबर तक आपको पूरा के पूरा कर लेना है जो ट्रेनी वेरिफिकेशन आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर गलत है आपका मेल आई फ़ोन नंबर सब कुछ डालना है वो भी कैसे करना है हम वीडियो में बता देंगे तो चैनल को फॉलो कर ही रखूर जरूर चैनल को फॉलो करके रखिएगा यानी आपको जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा ठीक है तो आपका ट्रेनिंग सेशन कब ख़त्म होगा ये ये सब जो है नीचे जो दिया गया है ये छः महीना के जो ट्रेड है वो सभी के लिए है ठीक है लेकिन आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है ये है आपका इकतीस पाँच तक ठीक है आप एक साल का हो या फिर दो साल का हो ठीक है अगर छः महीने का अगर कोर्स किसी का है तो छः महीने का कोर्स आपका दिसंबर तक आपका ख़त्म हो जाएगा ठीक है छः महीने का कोर्स के लिए तो फिर से नया सेशन आपका शुरू होगा छः महीने का जो भी टेड होता है तो ये है आपका पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल का दिया गया है एग्ज़ाम कब होगा लेकिन ये सब टेंटेटिव है ठीक है आपका हो सकता है आपका चेंज भी हो सकता है बाद में लेकिन यहाँ पर जो क्लास सेशन शुरू करने का जो डेट था वो सही रह गया क्योंकि मई महीने में बताया गया था 2022 का मई महीने में बताया गया था कि ये एक सेप्टेम्बर तक क्लास शुरू होगा फिर से नोटिस आया है इस अगस्त में अगस्त महीने में जो कि बताया गया है कि आपका क्लास शुरू होगा आपका एक सितंबर तक यानी आपका डीजीटी का जो शेड्यूल है शेड्यूल अच्छे से चल रहा है तो आपका चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है आप ज़रूर एक क्लास में जाइए और एबसेंट मत कीजिए क्योंकि ए आपका जो डाटा है डाटा डालने का टाइम है पंद्रह तक आपका पंद्रह सेप्टेम्बर तक आपका डाटा डालने का टाइम है तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आज के लिए वीडियो इतना ही चलिए जय हिंद